तो हेलो सब गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, यानी कि 69 यूट्यूब चैनल के एक नए शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप डायमंड 4 से हीरोइक पहुंच सकते हैं इजीली, मतलब 2 घंटे के अंदर ही आप लोग हीरोइक तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि गाइस इस आईडी में देखिए, मैं डायमंड 4 में हुआ अभी, एंड गाइस मैं एक ही मैच खेलूंगा एंड एक ही मैच खेलने के बाद मैं हीरोइक करूंगा एंड आपको दिखाऊंगा कैसे मैं डायमंड 4 से हीरोइक इजीली गया हूं। क्योंकि गाइस अभी मैं ग्रैंड मास्टर पुश कर रहा हूं मेरे मेन आईडी पे, जो कि आप देख सकते हैं पीछे मैंने ओपन किया है। इस आईडी से ग्रैंड मास्टर पुश कर रहा हूँ एंड अभी आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक लाना था। सो डायमंड 4 से मतलब डायमंड से हीरोइक तक तो मैं दूसरी आईडी में आया एंड गाइस आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे मैं 2 घंटे के अंदर, मतलब आप 2 घंटे के अंदर डायमंड से हीरोइक जा सकते हैं। डायमंड 4 में है तो 2-3 ही मैच खेलने के बाद ही डायमंड से हीरोइक पहुँच सकते हैं। सो गाइस आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है एंड कौन कौन सा कैरेक्टर स्किल लेके आपको खेलना पड़ेगा सब कुछ डिटेल्स में बताऊँ। सो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको कौन सा वाला कैरेक्टर स्किल लेना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा गाइस मैक्सिम लेना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ गाइस आप लोग एक्टिव स्किल में, आप लोग सोलो में थोड़ा बहुत फाइट वगैरह ले सकते हो, तो गाइस एक्टिव स्किल में आपको स्काइलर वगैरह रख सकते हैं एंड गाइस आप लोग क्रोनो तो अभी नहीं चलता, बट आप लोग यूज करना चाहते हैं तो वो भी मतलब यूज कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है क्रोनो को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस उसके साथ साथ आपको रखना है मीसा कैरेक्टर, मीसा कैरेक्टर के साथ साथ आपको जोन वाला कैरेक्टर रखना है जो फॉर्ट है। तो ए वाला कैरेक्टर रखने के बाद मतलब मैक्सिम और आप एक्टिव स्किल में कुछ भी रख लीजिए एंड उसके बाद गाइस आपको रखना है फॉर्ट एंड गाइस जो मतलब वो वाला कैरेक्टर का नाम क्या है मेरे को याद नहीं, मीसा कैरेक्टर। ए वाला कैरेक्टर रखने के बाद गाइस आपको गेम में जाना है एंड कैसे गेम को प्ले करना है सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि मीसा कैरेक्टर का बहुत ही बड़ा एक यूज है जो कि आपको पता चलेगा एंड गाइस आपका हर एक मैच ना प्लस होगा 100%। क्योंकि मैं खेला हूँ एंड गाइस एक ही मैच में खेला हूँ, एक ही मैच खेलने के बाद गाइस मतलब एक ही मैच खेलूंगा एंड जो भी होता है दिखाऊंगा एंड जो भी होगा गाइस आपको मेरा जो बात है वो उसको फॉलो करके आप खेलेंगे तो इजीली आपका हर एक मैच प्लस होगा ही होगा। सो गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। ए वाला डायमंड 4 का लोबे, डायमंड 4 का लोबे आप जानते हैं तो मतलब थोड़ा बहुत हार्ड आता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, अभी पहले सीन एक अलग था, अभी एक से अभी सीन अलग है तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता। फिर भी गाइस आपको कैसे पहले तो लैंडिंग करना है वो पहले बताऊँ, क्योंकि लैंडिंग बहुत ही मेन चीज़ होता है। और गाइस आपको ना फैल्को लेके आना है, फैल्को गाइस बहुत ही मतलब काम का है जो कि आपको पता चलेगा, जल्दी जल्दी लैंडिंग कर सकते हैं, लैंडिंग करने के बाद कोई भी बंदा आया इजीली आपको मार आप उसको मार सकते हैं, ठीक है। सो गाइस लैंडिंग बहुत ही बड़ी चीज़ होता है। सो लैंडिंग करने के लिए आपको कहाँ कहाँ लैंडिंग करना है, लैंडिंग के लिए गाइस बेसिकली आपको ऐसे जगह पे लैंडिंग करना है जो कि गाइस जिधर बंदा कम आ रहा है एंड थोड़ा मैप के जो प्लेन का जो लाइन है उससे थोड़ा सा दूर हो एंड आप उधर उतर के लूट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग फाइट थोड़ा बहुत लेते हैं तो ऐसे सर्वाइव करना, थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़्यादा नहीं आप। और गाइस कोशिश कीजिए कि सबसे पहले एक दो बंदे को फिनिश करने के लिए, तो लास्ट तक गाइस आप टोटली सर्वाइव करके इजीली बुया निकल सकते हैं एंड गाइस लास्ट में किल निकलने की कोशिश करेंगे तो तब आपको कोई बंदा मार देगा तो थर्ड पार्टी से आपका माइनस भी जा सकता है। पहले गाइस क्या होता है ना, पहले आप जब उतर के कोई बंदे को मार दोगे तो सामने वाले प्लेयर के पास गन ना होने का चांस ज़्यादा होता है एंड मतलब उस गन का ज़्यादा कुछ मतलब डैमेज वगैरह नहीं देता है, ऐसा कुछ होता है, मतलब उसको गन नहीं मिलता है। सो ऐसा मतलब आप कोशिश कीजिए कि मतलब उतरते ही आपको एक दो बंदा को मार सकते हैं, तो ऐसा कुछ कोशिश कीजिए। सो गाइस मैं इधर ऑब्जर्वेटरी में आया हूं, ऑब्जर्वेटरी में आप देख सकते हैं कोई बंदा ही, एक भी बंदा नहीं आया। सो जब मैं इधर आया गाइस मैं पहले मेरा काम क्या होगा, मैं कवर पे रह के लूट कर, क्योंकि सोलो में गाइस आपका चांस नहीं हुआ, आप एक बार मर गए तो मर गए खत्म, इसलिए गाइस आपको कवर में रह के लूट वगैरह करना है। आप गाइस मैं ऑब्जर्वेटरी में उतरा हूं तो आपको भी आप भी उतरेंगे ऑब्जर्वेटरी में, ऐसा कोई भी बात नहीं, आप भी उतर सकते हैं केप टाउन या तो गाइस दूसरा किसी भी जगह पे उतर सकते हैं, बट आपको एक चीज ध्यान में रखना है, मेरे को सेव रह के उतरना है एंड सेव रहने के बाद उसके बाद गाइस कवर लेके फाइट लेना है, क्योंकि पहले आपको मतलब आप पहले ही मर गए तो आपका प्लस ज़्यादा नहीं देगा एंड गाइस माइनस भी दे सकते। सो गाइस जितना हो सके आप कवर में रह के फाइट वगैरह किया करो एंड गाइस इधर से मैं लूट वगैरह करने के बाद उसके बाद गाइस स्टेप क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। इधर गाइस देखिए मैं लूट वगैरह करते करते मेरे को पैर का आवाज़ आया, मैं बोला था चौकोना रह के लूट करना है, मेरे पैर का आवाज़ आया, मैं बैठ बैठ के गया कि इधर एक बंदा स्कार जो गन है ना स्कार को लूट कर रहा था एंड उस समय मेरे को पता चल गया बंदा आ रहा है। सो मैं थोड़ा सा कवर में था एंड बंदा जब भी अंदर आया इजिली मार दे, इसलिए गाइस हर समय चौकोना रह के खेला करो, तो गाइस आपका आप किसी भी एनिमी को उस
को मतलब आसानी से इजीली मार सकते हैं। इस बंदे को मैं पता भी नहीं कि मैं घर के अंदर, लेकिन मेरे को पता है क्योंकि मैं हेडफोन यूज़ करके खेल रहा था। जितना हो सके आप भी गाइस हेडफोन यूज़ करके खेला करो, तो आपको पता चलेगा कि बंदा का फुटस्टेप किधर से आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी पता चलेगा। सो गाइस इधर मैं एक किल हो जाता है एंड मैं लूट वगैरह कर लेता हूँ इधर से। सो लूट करने के बाद गाइस मैं आपको दिखाता हूँ क्या 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 करना है आपको, और कैसे आपको जोन को कवर करना है एंड इजीली कैसे आप हर एक मैच को प्लास कर सकते हैं। बेसिकली यही टॉपिक है हमारा। सो गाइस मैं इधर लूट वगैरह करने के बाद आपको दिखाता हूँ आपको फिर क्या करना है। इधर गाइस देखिए मैं जा ही रहा था, उसी समय मेरे को फिर से फुटस्टेप आया एंड गाइस सामने से और एक बंदा लॉन्च पैड से भागने ही वाला था, लेकिन मैं एक्समेट से धर दिया। ये वाला एक्समेट गाइस मैं क्यों यूज कर रहा हूँ मेरे को पता नहीं, बट ये वाला एक्समेट में थोड़ा कम भी डैमेज दे रहा है एंड गाइस रेट ऑफ फायर भी बहुत ही कम है, चलाने में दिक्कत हो रहा है, बट क्यों मैं यूज कर रहा हूँ मेरे को भी खुद को भी पता नहीं। सो जो भी होगा इस इधर से मैं मतलब लूट वगैरह करने के बाद तो एक बंदे को मार देता हूँ एंड गाइस इधर मैं क्या कर रहा हूँ, फास्ट जोन मैं इधर ही रहूँगा, किधर भी नहीं जाऊँगा। पहला जोन आपके जोन के अंदर ही रहना है, क्योंकि जितना बंदा कम होगा आपका पोजीशन पॉइंट उतना ही आगे जाए। सोलो में यही फायदा है, एक बार बंदा मर गया तो मर गया, वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता, तो आपको करंट पोजीशन आपका पता चलता है। क्योंकि गाइस सोलो में आप पुश कर रहे हो तो टॉप सिक्स में आते हो एंड तीन चार किल होता है तो आपको फुल प्लस दे ही देता है, तो ये वाला चीज़ बहुत ही कमाल का है, ठीक है। सोलो में थोड़ा सा पेशेंस रख के एक तीन चार किल करने के बाद आप थोड़ा सा पेशेंस रख के रह जाओगे ना, इजीली आपका हर एक मैच बहुत ही ज़्यादा प्लस होगा। सो गाइस इधर में दो किल हो जाता है एंड गाइस इधर मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा, होल्ड करने के बाद गाइस मैं दिखाता हूँ कैसे आपको जोन को कवर करना है। अभी गाइस जोन आने तक मैं थोड़ा सा होल्ड किया एंड जोन भी स्टार्ट हो गया एंड गाइस मैं उसके बाद गाइस मेरा काम क्या होगा, गाड़ी ढूंढना, ठीक है। कोई भी एक गाड़ी, जीप गाड़ी हो और बाइक हो एंड गाइस कोई भी गाड़ी हो, आप लोग सोचोगे बाइक में तो गाइस आपको डैमेज गिरेगा, कुछ नहीं गिरा, आपको जीप गाड़ी हो बाइक हो एंड कोई भी एक गाड़ी हो आपको लेना है। लेने के बाद आपको जोन के अंदर जाना है, कहाँ, जिधर आपका गाइस सेकंड जोन बनेगा एंड अच्छे से कवर रहेगा उधर आपको जाना है। जैसे कि गाइस मैं इधर देखिए एक चीज़, मैं लैम्बो लेके जा रहा हूँ एंड गाइस देखिए, और सामने जो बंदा होगा ना उस गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करो, उतर के कभी मत मारना जब तक आपके पास कवर ना हो। सो गाइस मैं इधर से जा रहा था एंड सामने मेरे को इधर बाइक दिखा एंड गाइस बाएं तरफ ना मेरे को ग्लूवाल दिखा था, जो कि मैं देख रहा था कि इधर बंदा है या नहीं है। सो थोड़ा टाइम तक देखने के बाद कि देखा कि इधर कोई भी बंदा नहीं है एंड गाइस मीसा करेक्टर है तो मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं बाइक लेके जाऊंगा तो कोई भी मेरे को डिफॉल्ट में नहीं मार सकता, एम करके मारना पड़ेगा मारेगा तो, बट डिफॉल्ट में मतलब स्कोप इन करते ही मेरे ऊपर ही एम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो मैं इधर गाइस चेक कर लेता हूँ थोड़ा बहुत एंड कोई भी बंदा नहीं रहता है एंड गाइस मैं इधर से क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा टावर में, क्योंकि उधर जोन बना है जो कि गाइस होगा वो जो कोटा टुआ के रहता है ना, कोटा टुआ के पास होता है। सो मैं इधर से गाइस जल्दी बाइक लेके निकल जाता हूँ एंड किसी भी बंदे से अभी फाइट नहीं लूँगा, सीधा टावर में जाके ना उधर ही कैंप कर। जो गाइस इधर देखिए मैं मीसा करेक्टर का यूज इधर भी दिखाता हूँ आपको, देखिए इधर एक बंदा गाड़ी लेके अभी गया है मीसा, वो भी मीसा करेक्टर का यूज़ कर रहा है एंड मैं गाइस उधर थोड़ा बहुत फाइट हो रहा था शायद मेरे को पता चला था। सो मैं गाड़ी लेके, मेरे को कोई मार नहीं सकता, सो मैं गाड़ी लेके थोड़ा सा आगे गया कि गाड़ी से उड़ा सकता हूँ तो बढ़िया होगा, नहीं भी उड़ा सकता कोई दिक्कत की बात नहीं एंड गाइस इधर देखिए फाइट हो रहा था एंड गाइस इधर पेड़ के पीछे एक बंदा खड़ा था जो इसको मैं उड़ाने की कोशिश कर रहा था बट नहीं उड़ा पाया एंड गाइस वो बल्ला बंदा मेरे को एम कर रहा था मेरे को एक भी गोली टच नहीं किया क्योंकि डिफॉल्ट एम काम नहीं करता है। सो गाइस ये वाला चीज़ बहुत ही कमाल का है, मीसा कैरेक्टर यूज आप देखिए, इधर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मीसा कैरेक्टर का कैसा हो जाए एंड गाइस मैं उसको तो मार नहीं पाया, सो मैं बैक करके फिर से जाऊँगा टावर के अंदर क्योंकि जोन अभी भी इधर ही है। सो वो कोई दिक्कत की बात नहीं, सो मैं गया इधर एंड गाइस मैं सीधा जाऊँगा टावर के अंदर एंड टावर में जाने के बाद गाइस आपको दिखाता हूँ कैसे आपको मतलब बंदे को किल करना है एंड गाइस फिर से कैसे जोन को कवर करना है एंड गाइस इधर मेरा थोड़ा गलती हो जाता है जो कि आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद एंड गाइस पीछे एक देखिए गाड़ी जा रहा था एंड वो वाला गाड़ी से उतरते ही मेरे को फायर कर रहा था बट मेरे को कुछ नहीं हुआ। सो मीसा करेक्टर का यूजेस आपको पता चल ही गया क्या क्या मीसा करेक्टर कर सकते हैं एंड गाइस मैं इधर आया, आने के बाद मैं टावर में थोड़ा सा होल्ड करूँगा एंड बंदा जो भी आएगा ना उसको धर दूंगा, ठीक है, और डैमेज भी किल हो तो हो, नहीं तो डैमेज हुआ तो और भी बड़ी बात। इधर गाइस देख सकते हैं नीचे एक बंदा था एंड गाइस सामने टावर पे एक बंदा था, सो मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा एंड जोन
जब तक मेरे पास है मैं जोन के अंदर जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि लास्ट तक, जितना लास्ट तक हो सके उतना लास्ट तक जाने का। जो गाइस वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जरूर बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। एंड गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, ठीक है। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट और भी लेते मतलब ले आऊँगा। सो गाइस मैं इधर तक थोड़ा होल्ड करूँगा एंड जब बंदा साइड से आएगा तब मैं मारूंगा, जब आपको वीडियो तब काट करके दिखाता हूँ। इधर गाइस मैं थोड़ा देर तक होल्ड किया एंड जोन जब आ गया ना, मेरे पास जोन नहीं था एंड जोन भी चालू हो गया था एंड पीछे से कोई एक बंदा मार रहा था एंड उसको भी मैं डैमेज दिया, दो बंदे का फाइट हो रहा था और गाइस बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया था एंड मेरा किल उधर चोरी हो जाता है। जो भी हो गाइस चोरी होने के बाद मैं अभी क्या करूँगा, एक बंदा मतलब सामने जो बंदा था वो वाला बंदा जा रहा था एंड गाड़ी लेके और एक बंदा उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा। मैं गाइस इधर फाइट में नहीं फंसा क्योंकि फाइट में अभी फंसूंगा तो मैं मर भी सकता हूँ। सो मैं सीधा जाऊँगा जोन के अंदर एंड गाइस इधर क्या होता है देखिए, एक बंदा सामने से आ रहा था एंड उसको मैंने उड़ा दिया था, ठीक है। गाड़ी से उड़ाने के बाद उसको मतलब नॉक तो नहीं हुआ था बट बहुत ही ज़्यादा डैमेज आया था उसको। एंड गाइस उसके बाद मैं उसको मारने के लिए रुका नहीं, मैं सीधा आया कवर में। कवर में आने के बाद गाइस क्या हुआ देखिए, और कवर में आने के बाद गाइस वो वाला बंदा ना सामने से आ रहा था जोन के अंदर एंड गाइस मैं चारों तरफ देख लेता किधर बंदा है नहीं है एंड गाइस उसको 66 का हेडशॉट देके फिनिश कर देता है। एंड इधर गाइस 3 किल के साथ मेरा इधर 7 नंबर पोजीशन में मैं आ जाता हूँ, ठीक है। 3 किल हो गया था एंड गाइस थोड़ा बहुत डैमेज भी ज़्यादा था एंड कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड सामने गाइस बंदा ऊपर जा रहा था गाड़ी लेके एंड मैं उसको मारने की गाइस कोशिश करूंगा, मैं थोड़ा सा इधर कन्फ्यूज हो गया था। एंड गाइस आपको भी कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी गाइस मैं टॉप 6 पोजीशन पर आ गया था एंड गाइस इधर ना एक बंदा बैठा हुआ था जिसको मैंने स्पॉट किया था। मैं कन्फ्यूज हो गया था मारूंगा या नहीं मारूंगा एंड गाइस 1 मिनट का डैमेज इतना कम है ना, 16-17 करके मार रहा था एंड वो वाला बंदा के पास AWM था, मेरे को पता भी नहीं चला। एंड वो वाला बंदे ने एम करके मेरे को मार दिया, मतलब AWM ने M82 भी था एंड मार देता है। एंड मेरा इधर गाइस 3 किल के साथ टॉप 6 नंबर पोजीशन पे हो जाता है एंड गाइस इधर मेरे को प्लास भी अच्छा खासा मिल जाता है एंड मेरा टॉप मतलब डायमंड 4 से हीरोइक भी हो जाता है। एंड ऐसे ही गाइस आप पुश करोगे तो इजीली आपका हर एक मैच प्लस होगा ही होगा। मिसा करेक्टर का यूज़ करो जितना हो सके तो गाइस बहुत ही बढ़िया होगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखना है तो चैनल पर बने रहना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।